ये वीडियो उनके लिए जिनकी जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं, और मैंने इजी पैसा का कार्ड ले लिया, जेएस कैश का कार्ड ले लिया, एमसीबी लाइट एक कार्ड आता था वो ले लिया, और भी मतलब कि काफ़ी ऐसे कार्ड कैरी किए, बैंक अकाउंट जाके खुलवा लिया था मैंने यार जब मैं 18 का हुआ था, तो मैंने बोला चलो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे, वो हम मुझे लाइट बैंक वालों ने जो कार्ड दिया था वो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड था उससे भी नहीं हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये फेस करने को ना मिले। आज हम लोग बात करने वाले हैं सादा पे, नया पे और जिंदगी कार्ड के बारे में। तो रिसेंटली जो हमारी वीडियो आई थी आपने देखा होगा कि हमने इजी पैसा, जैज कैश और ओ पे की बात की थी, तो उसमें मैं सारी चीजें क्लियर आउट कर देंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट नया पे, सादा पे और जिंदगी कार्ड के बारे में। तो यार बहुत से लोग जो के पहले मैं भी होता था कि मुझे पता नहीं होता था कि यार मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं होता, वो ये वीडियो उनके लिए जिनकी जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं, और मैंने इजी पैसा का कार्ड ले लिया, जैज कैश का कार्ड ले लिया, एमसीबी लाइट एक कार्ड आता था वो ले लिया, और भी मतलब कि काफ़ी ऐसे कार्ड कैरी किए, बैंक अकाउंट जाके खुलवा लिया था मैंने यार जब मैं 18 का हुआ था, तो मैंने बोला चलो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे, वो हम मुझे लाइट बैंक वालों ने जो कार्ड दिया था वो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड था उससे भी नहीं हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये फेस करने को ना मिले, जो क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी टोटली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी हो रही हैं, और जो आने वाली नस्लें हैं, यंगस्टर्स हैं मेरी तरह और आपकी तरह जो कि वीडियोस देख रहे हैं, और उनको ये चीज़ें जो कि सहूलियात हैं वो ज़रूर चाहिए होंगी। लुक लाइक वो आजकल कोर्सेज कर रहे होते हैं, फ्रीलांस की तरफ जा रहे होते हैं, एड्स चला रहे होते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड बेस्ट हैं। पहले सब कुछ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये कार्ड आप लोग यूज़ किस लिए कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, आप कुछ भी बाय करना चाहो, सॉफ्टवेयर बाय करना चाहो, कुछ भी करो, वो इन कार्ड से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नया पे की। तो नया पे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड है ये, आपको वीज़ा का कार्ड प्रोवाइड करते हैं, मैं अपना नंबर वगैरह आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सादा पे का कार्ड आता है और फिर जिंदगी का कार्ड आता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले नया पे की बात कर लें कि नया पे का जो कार्ड है दिखने में तो काफ़ी सिंपल, कलर जो है वो ज़रा ऑरेंज सा है, और बाकी कार्ड्स की तरह ही इनका कार्ड भी लाइक एटीएम्स कार्ड जो होते हैं ना उनकी तरह इनका कार्ड आ रहा है। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो इनका इनकी एप्लीकेशंस में आ रहा है। एप्लीकेशन में किस तरह, क्योंकि एप्लीकेशन इनकी ऐप जो है पाकिस्तान मोबाइल की, तो प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको एज अ नंबर के तौर पे वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो नंबर है वो आप पुट आउट करोगे यहाँ पर। लुक लाइक जिस तरह से आप इजी पैसा पे करते हो उसी तरह ये अकाउंट भी बनाओगे, और अपना नंबर वगैरह जो वेरिफिकेशन से लोग मांगेंगे आपसे, सबसे पहले नया पे पे आप अकाउंट वगैरह बना के आपको पेंडिंग पे ले जाएंगे, फिर आपको नया पे की तरफ से कॉल आएगी कि आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे, आपने अपना नाम जो है वो आईडी कार्ड वाले ही लगाना है, आपसे कुछ वेरिफिकेशन करेंगे लाइक आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और कुछ और सवालत करेंगे, वो उनको खुद जो है वो रिप्लाई कर दो, और कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। फिर आप अपने अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और विद इन वीक आपको अपना आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर दो कार्ड आ रहे होते हैं, एक जो है वो फिजिकल कार्ड और दूसरा जो है वो वर्चुअली कार्ड आ रहा होता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यार। वर्चुअली कार्ड अलग होता है और फिजिकल कार्ड अलग होता है। फिजिकल कार्ड जो मेरे पास पड़ा है, वर्चुअली कार्ड जो वो होता है जो आपके एप्लीकेशन आपके ऐप के अंदर पड़ा होता है, जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। इन दोनों के नंबर अलग अलग होते हैं। लुक लाइक ये जो मेरे पास ये नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले जो डिजिट्स आ रहे होते हैं जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काम आते हैं, ये अलग अलग होते हैं। अब इनका एडवांटेज है क्या है, एडवांटेज ये है कि आप फिजिकल कार्ड नहीं यूज़ करना चाह रहे क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो डायरेक्टली इसमें पड़े हुए हैं, और आप नहीं चाहते कि यार मेरा जो कार्ड है या फिर कार्ड के नंबर्स हैं वो इससे बाहर जाएं, तो आप वर्चुअली कार्ड इसको यूज़ कर सकते हो। वर्चुअली कार्ड का ये आपको एडवांटेज है कि आपको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑनलाइन फील्ड के लिए, और आप अपना फिजिकल कार्ड एटीएम्स और ये डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए जो कि लोकली वो यूज़ कर सकते हो। और इनकी सर्विस टैक्स की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फी इनकी अलग होती हैं, जीएसटी जो होती हैं वो अलग होती हैं, कुछ इनकी सेटलमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। लुक लाइक अगर आप 2000 की ट्रांजेक्शन करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 400-500 रुपये जो है वो गवर्नमेंट काटेगी, और आप 2000 की ट्रांजेक्शन 2500 में करें, क्योंकि 10% जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स जो है जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पे है, और जो 5% है वो जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पे लगता है, और 5% वैसे काटेंगे 10% ही। अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको कुछ टाइम बाद, कुछ वक्त बाद, कुछ दिनों बाद आपके जो 5% जो पैसे हैं वो वापस ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके वॉलेट में। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करें, ओवरऑल जहाँ मर्जी ट्रांजेक्शन कर दो वो आप
इजीली कर सकते हो। लेकिन एक इसकी मैंने नेगेटिव चीज़ देखी है जो कि मेरे पास भी है, और आप अगर 5 ट्रांजेक्शन इसकी फेल्ड करते हो वहाँ पे टिकर आ रहे होते हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन फेल्ड होगी तो वो ग्रीन सा आपका जो बॉक्स होगा ना 5 वाला, वो एक फेल हो जाएगा, दूसरा होगा तो फेल हो जाएगा, 5 के 5 हो गए तो आपके पास कार्ड डीएक्टिव आ जाएगा, और मेरे पास अभी हुआ पड़ा है। अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो फेल्ड हैं वो हमारे खाते में डाउनलोड, अगर फिर आप इसको रीसेट करने जाओगे तो फिर आपका एक ट्रांजेक्शन का 99 रुपये या ऐसा कोई आ रहा है, 2 का उससे बढ़ के आ रहा है 139 या 140 रुपये, अगर 5 का है तो मेरे ख्याल से 350 रुपये या फिर 400 के आसपास आपको इन्हें पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका कार्ड जो है दोबारा रीसेट होता है। सेम वर्चुअली कार्ड और फिजिकल कार्ड दोनों पे ही चीज़ें अप्लाई होती हैं। अभी जो मेरा वर्चुअली कार्ड है उससे 5 ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड वो पूरी हो गई है, जो कि मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि मेरे पास जो बैलेंस है वो कम है, और मैं फेसबुक पे ऐड चला रहा था और मेरा बैकअप पे जो कार्ड था वो ये लगा हुआ था, और वो कार्ड जो है वो बैकअप कार्ड से पेमेंट्स लेता रहा और मेरा जो कार्ड है वर्चुअली वो बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये कि 5 ट्रांजेक्शन फेल्ड होने की वजह से 350-400 रुपये अब इन्हें पे करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा कार्ड दोबारा एक्टिव होगा, जो कि काफ़ी नेगेटिव बात है। अब बात कर लेते हैं सादा पे के कार्ड की। सादा पे का कार्ड बिल्कुल ही सादा है, लुक लाइक इनकी ऐप की तरह, इनके नाम की तरह। अभी देखें तो यहाँ पे जस्ट मेरा नाम है, मेरा कोई नंबर वगैरह यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया हुआ, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, जस्ट सादा सा कार्ड है। पैकिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इनकी पैकिंग आती थी जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था, इनकी अनबॉक्सिंग में कर चुका हूं अपने चैनल पे, वो आप जाके सिंपली देख भी सकते हैं चैनल पे। सादा पे भी सेम एज इट इज नया पे की तरह आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अपने नंबर पे जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो। लेकिन एक इसका जो मैंने चीज़ देखी, जो कि आप सादा पे में देखते हो कि आपको नंबर्स दिए जाएंगे कि यार आपकी इतनी बारी आ रही है, और पाकिस्तान में 28,000, 29,000, 30,000 या 1,00,000 बंदा पहले से क्यू में मौजूद है, जब वो ख़त्म होंगे फिर आपकी बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें सादा पे वाले बताते हैं कि यार अगर आप एक बंदा इनवाइट करोगे सादा पे तो आपके इतने बंदे जो है पास हो के आप आगे चले जाओगे, अगर 2 करोगे तो इतने हो जाएंगे, 10 बंदे अगर आप लेकर आते हो आप फाउंडर क्लब में शामिल हो जाओगे। हमने जब अप्लाई किया था तो हमें 2 साल बाद जाके, 1.5-2 साल बाद जाके हमारा कार्ड मिला था, क्योंकि तब बिल्कुल नया था। अब तो मैं भी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, अगर आपके घर में ही कुछ ऐसा के 2-4 बंदे हैं जो जिन्हें इनका आइडिया नहीं, तो आप उनको इन्वाइट करके आगे जा सकते हो। और सादा पे की बात करें तो यार सादा पे ऐप में भी सादा है, कार्ड में भी सादा है, जिससे पहले मैं बोल चुका हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेम एज इट इज़ नया पे की तरह इसकी भी ट्रांजेक्शन आ रही होती हैं, और काफ़ी अच्छी बात है जो कि नया पे सादा पे ये हमें कार्ड्स मिले। लेकिन एक एडवांटेज इसका सादा पे का मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा कि आप जितनी मर्जी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फेल्ड कर लें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास बैलेंस कम है ना कम है तो ट्रांजेक्शन वहाँ से फेल्ड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि आपके कार्ड को इफेक्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको जो इस कार्ड के नंबर्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो आपके एप्लीकेशन में मिलती हैं, आपको यहाँ पर सादा पे के कार्ड के ऊपर कुछ भी नंबर वगैरह कुछ भी डिजिट नहीं दिया जाता। आप जब ऐप को ओपन करते हैं आपका कार्ड का जो डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करते हैं तब जाके आपके पास कार्ड के नंबर शो हो रहे होते हैं, वो भी आप शो करते हो तो आपके वहाँ पर जाके कार्ड के नंबर शो होते हैं, और फिर वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये समझो कि आपके पास वर्चुअली कार्ड जो है वो वहाँ पर है, और आपके पास फिजिकल कार्ड ये है जो कि आप एक टैप के लिए ATM के लिए यूज़ कर सकते हो। और मेरा नहीं ख्याल कि यार सादा पे और इन चीज़ों को जो है वो लोकली लोग यूज़ करते हैं, अगर जो यूज़ करता हो तो लेजेंड बंदा है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो कार्ड हैं ये लोग शौक की तरह मंगवाते हैं, लुक लाइक मेरी तरह, लेकिन मैं वर्क इस पर काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, लुक लाइक मेरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होती रहती हैं, तो मैं सादा पे नया पे को ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब ज़िंदगी कार्ड पे भी आते हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी एनुअली फ़ी सादा पे और नया पे की कोई नहीं है, जिंदगी कार्ड की एक एनुअली फ़ी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मास्टर कार्ड देखने को मिलता है, और पाकिस्तान में 1 लिंक के ATM से आप सिंपल इसको ये के जाके पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकते हो। तो होप सो कि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट कर दी, अगर कुछ रह गया यार मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं बताने को कि कुछ ना कुछ अगर रह जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँगा। अब बात करते हैं ज़िंदगी कार्ड के बारे में, रिसेंटली ही इसको मैंने अनबॉक्स किया है तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो कार्ड की बात करें तो उन्होंने ट्रांसपेरेंट कार्ड निकाला है, सबसे ही अलग किस्म का निकाला है। ये JS बैंक जो है इस ज़िंदगी ऐप को ऑपरेट करता है। पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले बता दूँ आपको कि यार ये कार्ड आपको कैसे मिलेगा। आप सिंपल जैसे ज़िंदगी कार्ड
जैसे सादा पे और नया पे का अपने ऐप डाउनलोड की प्ले स्टोर से, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और सिंपल इज दैट के आप उसे इंस्टॉल करके अपने नंबर से ये के एक्टिव करवा लोगे। फिर आपको JS बैंक का कोई VVS वेरिफिकेशन का ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको कुछ अपने वेरिफिकेशन जो है वो उंगलियाँ से कैमरे के सामने रखनी होगी, वो आपको वेरीफाई करके आपका जो अकाउंट है वो लिमिट इसकी बढ़ा देगा। सेम नया पे, सादा पे और इनमें भी यार होता है, इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी जिंदगी कार्ड जो है ना ये JS बैंक से ऑपरेट होता है, JS बैंक जो है इसको ऑपरेट करता है। अगर आप पैसे भेजना चाह रहे हो अपने जिंदगी अकाउंट में तो आपने जिंदगी अकाउंट का वहां पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आपने सिंपल इज दैट JS बैंक को सिलेक्ट करके अपना नंबर, वो नंबर जो कि अपने जिंदगी अकाउंट पे यूज किया है, अपने जिंदगी अकाउंट जिस पे बनाया है वो नंबर आप पुट आउट करेंगे और सिंपल इज दैट आपका नंबर आ जाएगा और आपका नाम शो हो जाएगा। लुक लाइक जैसा इजी पैसा में हो जाता है उसी तरह आपका इसमें भी हो जाएगा। अगर आप इस पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं नया पे और सादा पे, इस पे आपके पास नाम मौजूद है नया पे और सादा पे का अलग अलग, और जिंदगी कार्ड की बात करें जिंदगी में आपको JS बैंक का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके आपका पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसकी बात करें तो इसका भी ये वर्चुअली कार्ड आपको देखने को मिलता है और फिजिकल कार्ड देखने को मिलता है। फिजिकल कार्ड काफी ज्यादा बेहतर और बेहतरीन है दिखने में भी और वर्क में भी खैर ये भी काफी बेहतरीन है। सब कार्ड एक जैसे ही सेम ही वर्क कर रहे हैं, ज्यादा उनमें कोई फर्क नहीं है। कोई कार्ड ऐसा हो जो कि हमें GST से छुटकारा दिला सके या फिर टैक्सेस वगैरह कम ले तो छा जाएगा कार्ड, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। इसका जो वर्चुअली कार्ड है अनोखा सा वर्चुअली कार्ड है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी जब चल जाए तो आप उसमें पैसे लोड करते हो। एडवांटेज वाली बात ये है कि वो कार्ड हैक नहीं हो सकता, अगर कोई हैक भी कर ले तो उसके अंदर जितने पैसे आप लोड करेंगे, लुक लाइक मैं 1000 रुपये करता हूँ, जब 1000 रुपये चार्ज हो जाएंगे ना वो जो कार्ड है वो उसी तरह पेंडिंग पे चला जाएगा, बंद हो जाएगा, ना उसे कुछ बाहर जा सकेगा ना उसमें कुछ आ सकेगा जब तक आप खुद उसमें ऐड ना कर दो। ये एक एडवांटेज वाली बात है। लेकिन एक बात मैंने नोट की है जिंदगी ऐप में कि यार ये स्लो बहुत चलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास 30 MB इंटरनेट लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद वो लोडिंग कर ही रहा होता है, लोड कर 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 के बंदे का दिमाग जो है वो घुमा देता है लुक लाइक लोडिंग पे। इसको थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए कि यार इनकी जो ऐप है थोड़ा बहुत बफरिंग कर जाती है। ओवरऑल इनके ऐप के अंदर एक वो व्हील वाला ऑप्शन आता है जो कि आप उसको अप्लाई करते हो और वो घूमता है, RS 2, 30, 5 रुपये लकी ड्रॉ भी है, शर्ट भी है और एक बोतल आ रही होती है पानी वाली, अगर वो मिल गई तो आपको भेज देंगे तो पैसे भी उसमें से रोल गोल करके आप पैसे भी मतलब निकाल सकते हो। मेरे पास भी ऑप्शन है तो मैं भी उसको अप्लाई कर देता हूँ कभी कभी जब मेरे पास टाइम हो जाता है। खैर जिंदगी कार्ड को मैं बिल्कुल लास्ट में यूज़ करता हूँ, इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी सादा पे और नया पे मेरी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। ओवरऑल कार्ड ये भी काफ़ी बेहतरीन है, इसको मैं बैकअप के लिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, अगर जहाँ पर ये काम छोड़ देता हूँ वहाँ पर फिर मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, तो होप्स हो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी। अगर फिर भी कुछ रह गया तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि कुछ रह गया है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इजी पैसा, जैस कैश, नया पे, सादा पे, जिंदगी और कुछ बैंक कार्ड जो हैं उन सबको इकट्ठा करके बात करेंगे ताकि आपको मजीद और चीज़ें क्लियर हो जाएं। पिछली वीडियो और ये वीडियो को देख के आपको मोस्टली चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी और आपके जो न्यू बिगिनिंग लेवल वाले बंदे हैं, लेवल 1 वाले बंदे हैं, वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये पहले वीडियो देख के उन्हें कौन सा कार्ड चाहिए, कितने का चाहिए। बाय द वे ये कार्ड बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, इनमें कोई कॉस्ट नहीं होती। 1000 रुपये जिंदगी कार्ड का लेते हैं लेकिन कभी कभी जो है वो फ्री भी लाते हैं, तो आप फ्री वाले ऑप्शंस देखें, जब भी फ्री है तो ग्रैब कर लें और आपको 1000 रुपये जो आपको पे करके आप जब कार्ड मंगवाएंगे, जब आप एक्टिव करेंगे वापस आपको कैशबैक मिल जाएगा। मैंने भी फ्री वाली मंगवाया था, इसकी एनुअली फी जो है वो 1000 रुपये है, मतलब कि 1000 रुपये आपको साल के इसके पे करने पड़ेंगे, जबकि नया पे और सादा पे की बात करें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मोस्टली ये रिकमेंड करूँगा और ये लास्ट में बैकअप पे आ जाता है। तो खुश रहिए, आवाज रहिए, मुझे भी दो में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय। कर देता हूँ कभी कभी जब मेरे पास टाइम हो जाता है। खैर जिंदगी कार्ड को मैं बिल्कुल लास्ट में यूज़ करता हूँ, इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी सादा पे और नया पे मेरी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। ओवरऑल कार्ड ये भी काफ़ी बेहतरीन है, इसको मैं बैकअप के लिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, अगर जहाँ पर ये काम छोड़ देता हूँ वहाँ पर फिर मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, तो होप्स हो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी। अगर फिर भी कुछ रह गया तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि कुछ रह गया है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इजी पैसा, जैस
कैश, नया पे, सादा पे, जिंदगी और कुछ बैंक कार्ड जो है उन सबको इकट्ठा करके बात करेंगे ताकि आपको मजीद और चीज़ें क्लियर हो जाएं। पिछली वीडियो और ये वीडियो को देख के आपको मोस्टली चीज़ें तो क्लियर होगी होंगी और आपके जो न्यू बिगिनिंग लेवल वाले बंदे हैं, लेवल वन वाले बंदे हैं, वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो ये पहले वीडियो देख के उन्हें कौन सा कार्ड चाहिए, कितने का चाहिए। अब बाय द वे ये कार्ड बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, इनमें कोई कॉस्ट नहीं होती। 1000 रुपये जिंदगी कार्ड का लेते हैं लेकिन कभी कभी जो है वो फ्री भी लाते हैं, तो आप फ्री वाले ऑप्शंस देखें, जब भी फ्री है तो ग्रैब कर लें और आपको 1000 रुपये जो आपको पे करके आप जब कार्ड मंगवाएंगे, जब आप एक्टिव करेंगे वापस आपको कैशबैक मिल जाएगा। मैंने भी फ्री वाली मंगवाया था, इसकी एनुअली फ़ी जो है वो 1000 रुपये है, मतलब कि 1000 रुपये आपको साल के इसके पे करने पड़ेंगे, जबकि नया पे और सादा पे की बात करें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मोस्टली ये रिकमेंड करूँगा और ये लास्ट में बैकअप पे आ जाता है। तो खुश रहिए, आवाज रहिए, मुझे भी दो में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।